हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग ने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों की वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक तो बहुत दूर की बात है, कॉपीराइट क्लेम भी देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने वीडियो में जैसे कोई भी सॉन्ग डालते हो, ठीक है, कोई भी सॉन्ग डालने के बाद यूट्यूब में अपलोड करते हो तो आपको क्लेम आ जाता है। लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना है। अगर जैसा मैं बताऊँगा वैसे आपको करोगे तो इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों, आप लोगों को कोई क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कैसे वीडियो को एडिट करना है और कैसे वीडियो को अपलोड करना है, अपलोड करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी इस पर कि हाउ टू यूज़ बॉलीवुड सॉन्ग कैसे अपलोड करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉन्ग में क्रेडिट कैसे दें, मेरी सारी सारी वीडियो वायरल हो गई दोस्तों। इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग बताऊंगा, और मेरी वीडियो लेट इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि मैं कुछ कुछ ट्रिक मतलब ढूंढते रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बहुत सारे मुझे कमेंट ऐसे आते हैं कि वो भाई लोग जितने भी मैंने अब तक ट्रिक बताए हैं, यहाँ पर एक तो वीडियो बनाया था मैंने, यहाँ पर कोई भी सॉन्ग डालें उसमें आपको कोई भी मतलब क्लेम नहीं आया था। तो इस वीडियो में बहुत सारे भाई लोग ने कमेंट किया था कि सर इसमें भी क्लेम आ रहा है, तो मैं आज जो ट्रिक बता रहा हूँ आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा हूँ 100% आपको बहुत ही मतलब क्लेम नहीं आएगा दोस्तों आप लोग। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक स्टेप को बारीकी से समझना आप लोग, ठीक है। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं कि करना क्या है, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा, वो भी विथ पूरा प्रोसेस के साथ, कि कैसे आप अपने यूट्यूब में कोई भी सॉन्ग डालोगे तो आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा, क्योंकि एडिट वीडियो एडिट करने के साथ वीडियो को अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन में कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसा कुछ भी नहीं आएगा आपको। ये जो ट्रिक है शायद ही कोई बताया होगा आप लोग को, तो चलिए मैं बताता हूँ करना क्या है। अब हम सबसे पहले अपने मोबाइल वहाँ चले जाते हैं, अपने यूट्यूब ओपन करते हैं। यहाँ पर हम अपना YouTube ओपन कर लिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको जैसे कोई भी सॉन्ग आपको सर्च करना है, ठीक है, कोई भी सॉन्ग, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहले यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कबीर सिंह का सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो कबीर सिंह का सॉन्ग। जैसे आपको जो भी सॉन्ग चाहिए रहेगा आपको यूट्यूब में लिखना है पहले सॉन्ग, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सॉन्ग लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद आपको करना क्या है, आप लोग ध्यान सुनिए, आप लोग को मैं अपलोड करके दिखाऊँगा मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको फ़िल्टर में जाना है, ठीक है। फ़िल्टर में जाने के बाद आपको क्रिएटिव कॉमन, अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो पुराना है, क्रिएटिव कॉमन से साउंड लेकर डाल दिया सर, लेकिन आप लोग को पता होगा क्रिएटिव कॉमन से साउंड लेने के बाद भी आप लोग को क्लेम आता है, ठीक है। तो आज जो प्रोसेस बताऊँगा उसमें क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन में क्लिक करना है आपको पहले, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन में क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई में क्लिक करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो भी सॉन्ग आ गए हैं सब क्रिएटिव कॉमन वाले सॉन्ग हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी सॉन्ग ले लेना, आपको जो भी सॉन्ग सर्च मानना है वो यहाँ से देख लेना, और उसके बाद अब जो भी सॉन्ग को निकालना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला सॉन्ग ले लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, देखिए ये वाला सॉन्ग, तो आपको पहले चेक कर लेना है कि ये क्रिएटिव कॉमन वाला है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, इसके लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, यहाँ पर ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्रिएटिव कॉमन वाला है, यहाँ पे ये देखिए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूटेशन लाइसेंस रीयूज अलाउ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लोग है ना, तो आपको चेक कर लेना है कि क्रिएटिव कॉमन का है कि नहीं। अब करने के बाद ये यहाँ तक प्रोसेस कम्प्लीट, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, पहले सॉन्ग लेना है, ठीक है, सॉन्ग को सर्च करना है, फिर क्रिएटिव कॉमन में जाके इसको ढूंढने वाला सॉन्ग, ठीक है। फिर यहाँ मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपल से इस वीडियो, ये जो पूरा वीडियो दिख रहा है ना, ये आपको ये जो पूरा फुल वीडियो, ये सब पूरा वीडियो को पूरा डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से मैं शेयर में कॉपी लिंक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि अब वीडियो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूट्यूब की वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, लेकिन यूट्यूब की वीडियो कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, यहाँ पर साइड में देखिए दोस्तों, आप ये वीडियो जाके चेक कीजिए, यहाँ पर मैंने बताया है यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, इस कारण मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को
सिंपल सा मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मिनट 35 सेकंड की वीडियो है ये, यहाँ देखिए 2 मिनट 35 सेकंड की पूरी वीडियो है ये, ठीक है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है मैंने, ठीक है, मेरे में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब आपको चलते हैं, अब इसको अब हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, काइन मास्टर में जाएंगे। इसको थोड़ा एडिट करना है अपने को, क्योंकि ये पूरा देखिए यहाँ पे ये पूरा वीडियो है, ठीक है। अब इसे सॉन्ग को निकालना है, बहुत भाई लोगों को ये नहीं पता रहता कि सॉन्ग कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए आपको इस मतलब वीडियो से सॉन्ग को निकालते हैं, ठीक है। पूरा फुल प्रोसेस है दोस्तों, देखना आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो चलिए चलते हैं, अब अपने इसमें चलते हैं काइन मास्टर में, काइन मास्टर। थोड़ा वेट कर लो, यहाँ पे काइन मास्टर हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब काइन मास्टर ओपन होने के बाद आपको करना है क्या है, यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूट्यूब का 16:9 वाला रेशियो ले लेना है, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे आपको जो हम डाउनलोड किए हैं सॉन्ग, ठीक है, वो हम यहाँ पे मतलब जो यूट्यूब से हम लोग डाउनलोड किए ना वो वीडियो को, उसको हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड में मैं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा देखिए ये पूरा सॉन्ग हमारा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे मैं आगे खसका के दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा वीडियो सॉन्ग है। थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये पूरा सॉन्ग है 2 मिनट 34 सेकंड का, जो मैं आपको दिखाया था ना यूट्यूब में, तो ये वो वाला सॉन्ग है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, पहले तो आप लोग एक चीज़ याद रख लो, कोई भी ना क्रिएटिव कॉमन्स ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा वीडियो से डाल दोगे, इसमें आपको स्ट्राइक आ सकता है। तो उसमें आपको करना क्या है, पहले सॉन्ग से अपने को ऑडियो अलग कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल सा ये जो नीचे वीडियो दिख रहा है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे ये जो लेयर है ये सब दिख रहा है ना, इसमें आपको टच करना है, ठीक है। यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे साइड में देखिए विंडो ओपन होगा, फिर यहाँ पे देखिए ये एस्टेट ऑडियो, इसमें क्लिक करना है आपको, ठीक है। एस्टेट ऑडियो में टच करते साथ ये देखिए आपका सॉन्ग निकल आ गया, ठीक है। अब ये सॉन्ग तो निकल गया, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेयर में जाना है, अब हाँ यहाँ पे आपको ना जो भी आपको जो भी आपको अगर आपकी वीडियो जो भी होगी, जो भी आप किए होगे में, तो जो आपके पास वीडियो होगा जिसमें आपको सॉन्ग लगाना है, तो आप मीडिया में जाना है और को वो सॉन्ग ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, तो मैं सिंपल से एक पिक ले लेता हूँ यहाँ पे मीडिया में जाने के बाद, कोई भी इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये वाला इमेज, ठीक है, ये इमेज ले लिए हम, ठीक है। अब इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है, और ये वाले फाइल को, ये जो वीडियो फाइल की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसमें अपने कुछ टैग आ जाएगा, तो इसको हमको रिमूव कर देना है, ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से बड़ा कर लो यहाँ पे जितना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए, तो मैं मुश्किल से देखिए बाकी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ताकि वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए, ताकि मैं आप लोग बता सकूँ मैं, ठीक है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ, 1 मिनट 14 सेकंड के ले रहा हूँ वीडियो, ठीक है। देखिए ये हमारी वीडियो है, ये थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा देता हूँ, कि ताकि आप लोगों को लगे कि ये सॉन्ग वीडियो है। देखिए ये पूरा सॉन्ग है, देखिए तो ये है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए हो गया, अब आपको करना क्या, सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। डाउनलोड यहाँ पे देखिए रो, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं नॉर्मल से पिक्सल में कर रहा हूँ, क्योंकि फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग HD में, आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको डाउनलोड करना, ठीक है। ये डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद का खेल आपको बताऊँगा, क्योंकि जो भी ट्रिक है अब इसके आगे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए इसको डाउनलोडिंग होने देते हैं, फिर इसका आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ये देखिए, तो ये प्रोसेस हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हम ये हमारी वीडियो हमारी गैलरी में आ चुकी है एडिट होके। अब आपको जाना कहाँ है, अब आपको अपने YouTube में जाना है, ठीक है। चलिए अपने YouTube में चलते हम, ठीक है। अब सिंपल से हम अपने यहाँ पे YouTube में आ गए। ये देखिए, ये वही वाला सॉन्ग था जिसको हम डाउनलोड किए थे, इसको हम पॉज कर दिए थे, ठीक है। ये वही सॉन्ग है, हम अपने YouTube में आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर अपने को वो जो सॉन्ग हम डाउनलोड किए हैं
उसको अपने को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है चलिए अपलोड करते हैं। आप अपलोड कैसे करना है, ये नॉर्मल यूट्यूब का इंटरफेस है। अब इसे यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए नीचे में ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो प्लस का निशान बन रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिखा है यहाँ पे अपलोड अ वीडियो, ठीक है तो अपलोड अ वीडियो में क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है अब आपको वेट, हाँ वेट, अपलोड वीडियो करने के बाद हम अपने वीडियो में जाना चाहें अपने हमारे वीडियो, ये हमारा वीडियो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देखिए ये वही वाला वीडियो है, मैं आपको सॉन्ग थोड़ा प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है ये वाला वीडियो है, ठीक है अब आपको करना क्या है, सिंपल से इसको नेक्स्ट में क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये वही वाला सॉन्ग है जो हम लिए थे यहाँ पे कबीर सिंह का। तो यहाँ पे मैं सिंपल से लिख देता हूँ मैं कबीर सिंह, ठीक है दोस्तों कबीर सिंह लिख दिया। ठीक है तो यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा चुका है। टाइटल लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखना है आपको, जो भी आप सॉन्ग लिए रहोगे उस सॉन्ग वाले को क्रेडिट देना है आपको। ठीक है और क्रेडिट कैसे देना है आपको वीडियो में, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है सिंपल से आपको क्रेडिट देना है यहाँ पे बस, और कुछ भी नहीं करना है। और क्रेडिट कैसे देना है अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो साइड में ये जो वीडियो है मैंने बना चुका हूँ इस बारे में वीडियो, तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने बताया कि क्रेडिट कैसे देना है वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे। ठीक है अब इसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पे ठीक है अपलोड, ठीक है अभी अपलोड हो गई यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पे जा रही है वीडियो, ये होम में जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए और यहाँ पे जाने तक योर चैनल में आप जाएँ क्लिक करेंगे यहाँ पे, दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो, ठीक है ये देखिए यहाँ पे मैनेज वीडियो में क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो जो कबीर सॉन्ग वाली वीडियो है ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्ले हो रही है। देखिए दोस्तों ये वाली वीडियो देखिए आप, ये देखिए ये अभी अनलिस्टेड है दोस्तों, यहाँ पे ये रो आप देख सकते हैं ये अनलिस्टेड है ये अभी, तो ये यहाँ ये अभी अपलोड हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे लाइट, देखिए देख रहे हो ना, तो ये अभी अपलोड हो रही है दोस्तों ये वीडियो। ठीक है ये अपलोड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ मैं, ठीक है ये वीडियो अपलोड होने के बाद चलिए ये इसको यहाँ पे अपलोड होने देना है। अब आपको करना क्या, सेकंड काम करना क्या है, तुरंत आपको क्या करना है यहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ, आपको तुरंत अपना वाई टी स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है चलिए वाई टी स्टूडियो ओपन करते हैं अपना, यहाँ पे अपना वाई टी स्टूडियो, ठीक है यहाँ पे हम अपना वाई टी स्टूडियो ओपन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ये देखिए यहाँ पे मैं वो जो चैनल था उसको ले आता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अपना वाई टी स्टूडियो ओपन कर दिए दोस्तों। ठीक है अब करना क्या है, देखिए ये हमारी वीडियो ये अभी अपलोड हो रही है, ये देखिए ये जो वीडियो है ये हमारा वाई टी स्टूडियो, ये वीडियो यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे, ये अनलिस्टेड है ना, ये देखिए ये अनलिस्टेड है ये, ठीक है तो ये अपलोड हो रहा है ये। तो करना क्या है यहाँ पे जाना है थ्री डॉट पे आपको, ये देखिए यहाँ पे थ्री डॉट दिखा देता मैं आपको, ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पे एडिट अ वीडियो, एडिट अ वीडियो में क्लिक करना है आपको। ठीक है एडिट वीडियो करने के बाद आपको क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है ये देखिए यहाँ पे हमारा अपलोड हुआ था। ठीक है अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए वीडियो अनलिस्टेड है हमारी, ये देखिए हमारी वीडियो अनलिस्टेड है। अब यहाँ पे जाना है अपने को, ठीक है यहाँ पे क्लिक करते हैं एरो में, ठीक है एरो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये देखिए स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ये ठीक है दोस्तों ये जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टैंडर्ड यूट्यूब, यहीं पर आप देखो आप करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो है, ये एरो ठीक है इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ये क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट लाइसेंस, इसमें आपको क्लिक करना है यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस से हट के यहाँ पे आपको चाहिए यहाँ पे ये वाला लाइसेंस लिखा रहना चाहिए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट लाइसेंस, ठीक है अब सिंपल से ये यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से बैक एरो में जाना है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे जाना है ऑप्शन में पीछे जाना है आपको। ठीक है पीछे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, ठीक है
ये यहाँ पे सेव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी वीडियो सेव हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे आपकी वीडियो सेव हो चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये अभी भी अनलिस्टेड में है। और देखिए दोस्तों, अनलिस्टेड में होने के बावजूद भी हमारे पास कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं दिखा रहा है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसमें टच करते हैं सिंपल से। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अनलिस्टेड है वीडियो और रजिस्ट्रेशन में नॉन, मतलब यहाँ पे कोई भी हमने को क्लेम और स्टैक नहीं आया है दोस्तों। क्योंकि अगर हम जब भी कोई यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं और वो अनलिस्टेड में होती है, तो भी यूट्यूब एनालाइज करके हमें बता देता है कि हमारे जो वीडियो में क्लेम है कि स्ट्राइक है वो बता देता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिखा देता है अनलिस्टेड में भी वीडियो। अब मैं आपको उसको पब्लिक करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि मुझे कोई भी क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको पब्लिक करते हैं। पब्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के इसमें जाएंगे पेन वाले ये में एडिट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पर अनलिस्टेड से पब्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए पब्लिक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल से सेव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी भी अपने को देखिए वीडियो पब्लिक हो भी गई है और यहाँ पे अपने को कोई भी क्लेम और स्टैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी वीडियो अपलोड करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आपके में क्लेम शो होता है तो आपको यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर एडिट में जाना है आपको, फिर से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके में बाई चांस यहाँ पर नॉन की जगह अगर आपको क्लेम अगर शो होगा तो आपको यहाँ पे अपने एडिट में जाके चेक करना है। यहाँ पे एडिट में जाना है आपको, क्या चेक करना है वो मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे जाना है आपको मोर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखना दोस्तों ये लाइसेंस आपका क्रिएटिव कॉमन एट्रिब्यूटेशन लाइसेंस है कि नहीं, ये सिलेक्टेड है कि नहीं, यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है आपको। आप जब भी वीडियो अपलोड करोगे ये डाल देना, जब भी अगर साउंड डालोगे तो अपनी वीडियो में, ठीक है, ये डाल देना क्रिएटिव कॉमन एट्रिब्यूटेशन लाइसेंस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब बस यहाँ से फिर सेव कर लेना। तो दोस्तों ये था वो चीज़ जिसको डालने के बाद आपके वीडियो में कोई भी क्लेम और स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं इसको प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल मुझे कोई भी क्लेम नहीं आएगा, मैं बिंदास प्ले करूँगा मैं। देखिए यहाँ पर पेन में क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये देखिए वीडियो, ये देखिए वेट लोडिंग ले रहा है ये थोड़ा। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल है, क्यों बिछड़ना है। देखो दोस्तों, होता तो मुझे भी डर रहा था कि क्लेम आ जाएगा, लेकिन मेरे को कोई भी डाने में बिंदास प्ले कर सकता हूँ सॉन्ग को, कोई भी क्लेम नहीं आया मेरे में। तो दोस्तों आप लोगों को यकीन हो गया होगा ये ट्रिक वर्क करती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक फॉलो कीजिए। आपको करना क्या, अपलोड करते टाइम आपको ध्यान देना है आपको लाइसेंस में, ठीक है। जब भी आप अपलोड करोगे लाइसेंस, तो देख लेना कि वो लाइसेंस आपका स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ना रह के क्रिएटिव वाला लाइसेंस है कि नहीं। तो आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, फिर वीडियो अपलोड करना, ठीक है। तो आपको कोई भी क्लेम और स्ट्राइक जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है वैसे वैसे आपको फॉलो करना है आपको दोस्तों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बिल्कुल भी क्लेम और स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। और हाँ, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग साउंड डालोगे उसको क्रेडिट देना ही देना है, और ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक यार सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई को फॉलो करो। और भी मैं आपको एक से ट्रिक बताऊंगा मैं, अगर आपको YouTube से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।